कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त मोरा पिया मोरा पिया हो नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार लच्छा से मरे रे जिया पिया लच्छा से मरे रे जिया पिया रे लच्छा से मरे रे जिया शोंधा की लाली मुख चमकाए सौंधी सौंधी खुशबू दिल बहकाए जुल्फों की रैना आँखें क्यों न छाए हो चांद सितारे देखेंगे सारे लच्छा से मरे रे जिया पिया लच्छा से मरे रे जिया कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त मोरा पिया तुम्हारी आवाज में नो नेम ओनली शहद थैंक यू बट आई थिंक ये तुम्हारा सबसे लो की परफॉर्मेंस था ना एक्चुअली मैम ये गाना ऐसा था कि जिसमें परफॉर्म कुछ क्योंकि तुमने हमेशा धमाकेदार ऐसे गाने गाए हैं तो मुझे लगा है थोड़ा सहमा हुआ परफॉर्मेंस था प्रोजेक्टा तुमने अपने आप को बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट किया गाना भी खूब सेलेक्ट किया और मेरे हिसाब से तुमने सारे हिंदुस्तान का वोट कलेक्ट किया थैंक यू सर मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है बहुत ही मीठी आवाज़ है इस बार मुझे थोड़ा लगा कि आपकी हल्की सी हरकत मुर्गियों पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा शायद मुर्गियों पे लेकिन इस गाने के मुताबिक जो आपने गाया है बहुत ही अच्छा गाया है फैंटास्टिक आई एम वेरी हैप्पी जाने जा प्राजक्ता अगर मैं लड़का होती तो सीटी जरूर बजाती मैं गाना तो तुम माइंड ब्लोइंग गाती हो लेकिन मैं कह रही हूँ कि गाना वाना छोड़ो और चलो बॉलीवुड मेरे साथ प्राजक्ता तुम्हें देखकर मुझे यही कहने को दिल चाहता है कि छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया तेरी आवाज़ को सुनकर फूलों को पसीना आ गया
प्राजक्ता, मैं आज एक जज के होते हुए एक संदेशवाहक का काम करना चाहता हूँ। किसी ने मुझे कुछ 4 दिन पहले फ़ोन किया और मुझे कहा कि भैया ये कौन लड़की आ गई अचानक जो इतना अच्छा गाती है कि इतने सालों के बाद में ये लड़की एक ऐसी आवाज़ आई है जिसमें मैच्योरिटी है, जिसमें एक कंपन नहीं है, हरकतें भी हैं, क्वालिटी भी है, मिठास भी है, लड़की दिखती भी अच्छी है। और मैं आपको बताता हूँ वो कौन थे। वो थी हमारी आज की बहुत ही क्रेडिबल जानी मानी हस्ती गायिका अलका याग्निक जी। प्राजक्ता, मैं इन सब से सहमत हूँ कि आप एक पॉप डीवा लगते हो, और मैं ये भी देखा कि आप कैमरा शाई नहीं हो। जब कैमरा आपकी तरफ आई थी, आप कैमरा के तरफ गा रही थी, और ये हालांकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आगे जाके आपको पता चलेगा कितनी अच्छी क्वालिटी। ये सारा इंडियन आइडल स्टेज का ही इफेक्ट है। इंडियन आइडल में आके मेरे में बहुत बहुत अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुंह मांगी दुआ हम अनसुनी कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे अली आपका क्या होगा। पेंटर बाबू, आप तो रॉक स्टार हो गए। थैंक यू। मैं आपके सिंगिंग के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जैसे हमने देखा है पिछले हफ्तों से हमारे बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करूँगी, क्योंकि लास्ट वीक मेरी ये कंप्लेन थी कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी थी, और वही कंप्लेन को आपने बिल्कुल चेंज ओवर कर दिया है और आज फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी है आपने। थैंक यू रविंद्र। रवि, सुर में थोड़ा गड़बड़ था आज ना, कान तो पकड़े तुमने, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मैं तो कहूँगा कि इंडियन आइडल में तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात हो गई, और जिससे डरते थे वही बात हो गई। हिंदुस्तानी पब्लिक ने तुम्हारा कर दिया सवेरा, बाकी कंटेस्टेंट की लगता है रात हो गई। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਸੁਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ। ਸੁਰ ਤੋ ਆਪਕਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆਏਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਵੀ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਹੋ? ठीक है सर। ओके रवि जी, मुझे लगता है हार या जीत आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप संगीत से उतना ही प्यार करेंगे हम जो कुछ भी कहें, और बस मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आप यू लुकिंग लाइक अ रॉक स्टार। ना जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते ओ मर दी है।
सुने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में, रेशमी दुपट्टा फेंका पिंक के हुलारे में, मेले में अकेले फिरे बाजार सारे में, कौन सा बनाया ना बहाना बहाना बहाना, मैं जटी यमुला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साढ़े उत्ते ओ मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साढ़े उत्ते ओ मर दी है। अब मैं क्या कहूँ, ऑडियंस कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही है, आई थिंक उनकी तालियों ने सब कुछ कह दिया है, सो ये वेरी खुशनसीबी है। रविंद्र रवि, मैं वही इंसान हूँ जिसने कहा था कि तुम्हारी गुरबत की जिंदगी दफन हुई और शुरू होगी जिंदगी नहीं, याद है आपको? हाँ जी याद है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर इतना तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू तुम्हारी आवाज़ में ज़रूर आती है, लेकिन जो तुम आज गा रहे थे और तुम जानते हो अच्छी तरह, तुमने सुर में नहीं गाया। आज की परफॉर्मेंस में मुझे सुर से बिल्कुल दूर तुम नज़र आए, ये क्या बात है? ये ऐसा है जी कि आज 3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, और पहली बात तो ये कि मुझे सर्द गर्म हुआ है, छाती भी जाम है मेरी, तो वो स्केल नहीं पहुँच रहा था मेरे से। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हुई है, आगे सोनू जी कहेंगे। रविंद्र जी, मुझे आपकी मैंने गायकी की हमेशा तारीफ़ की है, मैंने कहा है कि आप अच्छा गाते हैं हमेशा, आज आपने इतना ख़राब गाया है कि इससे ख़राब आई डोंट थिंक किसी ने अभी तक स्टेज पर गाया है, एक भी सुर आपका ठीक नहीं लगा है, तो मेरे हिसाब से आज आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।